हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं पिछले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत बराबर नहीं थी। तो फाइनली मैं आज वीडियो फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी हम दोस्तों कुंडे के पास आ चुके हैं और अभी हमारे गाय पानी पी रही है। तो देख सकते हैं गाय पानी पी रही है। तो अभी गाय ने दोस्तों पानी पी लिया है और अभी पानी भी बंद हो चुका है। तो अभी गाय पीछे चल रही है, तो ये पीछे वाली गाय खड़ी है अभी। तो दोस्तों आज भैंसा यहाँ पे नहीं आए क्योंकि भैंसे उधर नजदीकी है। तो अभी हमने फिर से गाया को धरन पास पानी पिला लिया है। तो आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता कैसा है। लेकिन जो भी गाया चराने आता है गोवाल, उनके पीछे बराबर ये गाया आती धरन है। का भी पानी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो वीडियो में आप हमारे साथ रहेगा आगे दोस्तों, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो अभी हमारी गाय चल रही है, अभी करीब करीब दोपहर का 1 बज चुका है। तो आप देख सकते हैं गाय चल रही है। तो अभी हम 4 बजे तक ऐसे ही गाय चराएंगे। तो कभी खेत मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो हम वैसे भी घर पे तो शाम को चारा डालते ही है। दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से बहुत ठंड गिर रही थी। तो दोस्तों मतलब इतनी कि बहुत ही ठंड थी, तो उसमें गाया को भी बहुत ही बुरा हाल हुआ और साथ ही साथ हमारा भी, क्योंकि हमें भी सुबह 4:30-5 बजे से उठना पड़ता है। तो उनका मिल्किंग करना और उनका सो मिल्किंग और उसके बाद में उनका जो भी सेन पुंजा होता है गोबर, वो सब ठंड की वजह से उठाना पड़ता है। तो काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों। मतलब ऐसी ही हालत है दोस्तों की जैसे कि सैनिक की होती है, क्योंकि सैनिक को भी पूरी रात रात भर ठंड में खड़े रहना पड़ता है और जब धूप हो तो जलती गर्मी में भी झुलसना पड़ता है। लेकिन हमारी कंपैरिजन तो सैनिक से नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन मैं आपको बस बयां कर रहा हूँ कि वैसा ही हाल है हमारा भी, क्योंकि हमें जल्दी मिल्किंग करनी पड़ती है क्योंकि दूध आगे हमें डेयरियों में पहुंचाना होता है और कहीं छोटे छोटे बच्चे पीते हैं दूध, तो कहीं नौकरी पेशा लोग चाय के लिए रुकते हैं। इस वजह से हमें भी जल्दी जितना जल्दी दूध जाता है उतना ज़्यादा भाव मिलता है। तो उस हिसाब से दोस्तों, क्योंकि आप अगर गिराई हमेशा का गिराई हो तो वहाँ पे ज़्यादा भाव रहता है और डेयरी में हमें कम भाव मिलता है।
और रही बात गर्मी की, तो गर्मी दोस्तों अभी यहाँ से गर्मी बढ़ेगी, लेकिन गर्मी को दोस्तों रोक सकते हैं, क्योंकि छांव हो, कहीं छाया हो तो वहाँ पे हम और गाया रुक सकते हैं, लेकिन ठंड का तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जो भी नए हमारे जो भी मित्र नए जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारा पिछले 3-4 दिनों से हमारी हालचाल अच्छे नहीं थे, तो हमारा गला भी बैठा हुआ है, तो उसे इग्नोर करिएगा दोस्तों। और थैंक यू सो मच आप सभी का हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके बगैर ये सब नहीं हो पाता। तो दोस्त मुझे काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि आपका दूध कितना होता है, आपके पास गाय कितनी है। तो दोस्तों मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप हमारे जो भी नए सब्सक्राइबर है तो आप और नए दोस्त है तो आप हमारे पहले ब्लॉग देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सारी जानकारी दी हुई है। और ये भी पूछा गया था आप कहाँ से हो क्या, तो मैं ऑलरेडी मैं उस पर बहुत से ब्लॉग बना चुका हूँ, तो आप हमारे उस ब्लॉग को देख सकते हैं। और पिछले दो दो तीन दिन दोस्त काफ़ी काफ़ी दर्द भरा माहौल रहा, क्योंकि आपने भी सुना होगा दोस्तों गुजरात में जो घटना हुई, उस बारे में लेके किशन भाई बोलिया का जो अकस्मात जो मृत्यु हुई है, तो उस ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी माँ ने भी अपना बेटा खोया तो उनकी पत्नी कहते हैं कि छोटी कुछ 10-15 दिनों की लड़की है, तो बहुत बुरा हुआ दोस्तों, तो ये नहीं होना चाहिए। और तो हम क्या कहें दोस्तों, एक गाय चराने वाला क्या कह सकता है आपको। लेकिन जो घटना हुई दोस्तों, अब यहाँ से आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर कोई ना कोई तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उस बारे में दोस्तों मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अभी जो सीसीटीवी फुटेज देखी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, तो इसलिए मुझे इस वीडियो में किशन भाई बोलिया पर बोलना पड़ा। तो हमें उन उनके घर वालों को सांत्वना देनी चाहिए कि हम सब उनके साथ है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपको आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए सब्सक्राइब अभी जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।